अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे आज हम कर रहे हैं क्विक सी एक्रेलिक पेंटिंग टेन मिनट एक्रेलिक पेंटिंग जिसमें मैंने यूज़ किए हैं ये फोर कलर्स आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट वन इज़ व मिलियन ये मेरीज़ का है सेकंड इज़ ऑरेंज येलो ये ओमेगा का है थर्ड इज़ पेल येलो ये भी मेरीज़ का है और फोर्थ वन इज़ लेमन येलो ये भी मेरीज का है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कलर्स को जो है वो आप प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए ब्लेंड करना शुरू कीजिए नीचे से ऊपर की तरफ और कोशिश कीजिए नीचे से ऊपर की तरफ ही रखिए और फिर जब वो ओवरऑल ब्लेंड ओवरऑल वो जो है जब कलर्स इंडिविजुअली आप उनको लगा लें तो फिर उसके बाद जो है उनकी ब्लेंडिंग के लिए आप एक दफ़ा ऊपर से नीचे की तरफ़ लाइएगा ब्रश को और फिर उसके बाद दो से तीन दफ़ा नीचे से ऊपर की तरफ़ जाइएगा अगर आपको बीच में लगे कि आपका पेंट जो है वो ज़रा थेक लग रहा है और प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं हो रहा तो आप पानी का यूज़ भी कर सकते हैं जितना कम पानी यूज़ करेंगे उतना बेहतर है लेकिन अगर आपको लगे तो फिर आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं ब्रश को ज़रा सा डिप करें पानी के अंदर और फिर उसके बाद आप उसको यूज़ कर लीजिए जब पेस्ट कलर जो है वो ड्राई हो जाए फिर उसके बाद आपने आगे प्रोसीड करनी है पेंटिंग को और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वाइट कलर जो है वो यूज़ करके पहले हल्का सा वाइट कलर यूज़ कीजिए और फिर उसके बाद उसको एक सर्कल फॉर्म देकर और फिर ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट ट्यूब से मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है आप चाहें तो इसमें शेड्स भी डाल सकते हैं बट ब्लैक इज़ प्रेफरेबल उसमें हल्का सा जो है वो आप रेड uh, का टच मिलियन का टच दे दें अब आप लोग जो है वो इसके ऊपर जैसे कि मैं डायरेक्ट वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ पहले मैं वाइट कलर से अफेक्ट दे के और फिर उसके बाद जो है वो कहीं कहीं उनको ब्लेंड कर लूँगी थोड़ा सा पेल येलो ऐड करके हल्का सा और फिर उसको ब्लेंड भी कर लेंगे ताकि वो बिल्कुल शार्प डायरेक्ट एकदम से ना लगे हमें कलर आई होप ये सारे के सारे स्टेप्स आपको क्लियर uh, हो रहे होंगे बेस कलर यूज़ करेंगे बेस कलर में वर्मिलियन ऑरेंज येलो पेल येलो और लेमन येलो यूज़ किया गया है वो ड्राई हो गया तो उसके ऊपर जो है वो सर्कल फॉर्म में वाइट कलर से जो है वो सन का इफेक्ट दिया गया है फिर नीचे जो है वो ब्लैक कलर यूज़ किया गया है और उसके अंदर हम वर्मिलियन कलर यू वर्मिलियन कलर यूज़ कर रहे हैं शेड um, देने के लिए और um, इसी तरह हम इसको प्रोसीड करेंगे थोड़े से बर्ड्स ऐड करेंगे और फिर हमारी क्विक सी एक्रेलिक पेंटिंग जो है वो रेडी है अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है आपने अपने घर में हैंग करना है तो आप क्विक सा टेन मिनट में ये एक्रेलिक पेंटिंग बना सकते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकॉन और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अपने से मुसलिक लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिए अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त करे और खुश रहिए